अब खबरें विस्तार से। सीएम रघुवर दास दीपावली पर्व मनाने के लिए शहर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से वे एग्रीको स्थित आवास रवाना हो गए। दीपावली में रंगोली का अपना ही महत्व होता है। लोग घरों को सजाते और रोशन तो करते ही हैं, साथ ही मुख्य द्वार पर रंगोली भी सजाया जाता है। घरों के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने की परंपरा है। लोग घरों को तो सजाते एवं रोशन करते ही हैं, साथ ही मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोली भी बनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सजावट से आकर्षित होकर माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। महिलाएं काफी तन्मयता से रंग बिरंगे एवं आकर्षक रंगोली बनाती हैं। के आगमन के लिए रंगोली बनाते हैं, सुख समृद्धि बढ़े, शाम को जब आएगी तो रंगोली देख के प्रवेश करे। वही दीपावली के शुभ अवसर पर बनाए जाते हैं। इस बार पटाखों एवं आतिशबाजी की सामग्रियों की बिक्री में महंगाई का असर साफ दिखाई पड़ा। दुकानदार काफी हताश दिखे। जो ग्राहक आए उन्होंने भी उम्मीद से कम खरीदारी की। महंगाई का असर आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री पर पड़ा। पिछले वर्ष की तुलना में सेल काफी कम रहा। विभिन्न स्थानों पर लगे पटाखों की दुकानों में काफी कम संख्या में ग्राहक आए। जो ग्राहक आए भी तो उन्होंने उम्मीद से काफी कम खरीदारी की। दुकानदारों का कहना है कि सेल कम होने के पीछे महंगाई प्रमुख वजह है। बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में लगी दुकानों में ग्राहकों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम रही। सांसद विद्युत वरण महतो भी वहां जायजा लेने पहुंचे। भैया, ये बार पहले जैसा रिस्पांस नहीं है। क्या चीज है? पटाखा उठाकर ये बार पहले जैसा बिक्री नहीं है। का है? जो बिका इलेक्शन के पहले जो लिया था वही सब बिका। क्या चीज है? बिहार इलेक्शन को देख के पटाखा उठाकर बिका ले रहे हैं। दाम बहुत ही हाई है और पटाखा आई थिंक बैन कर देना चाहिए। अभी तो देखिए, अभी पटाखा बहुत महंगा मिल रहा है और बच्चे लोग को ये सब चाहिए और उससे कम ले रहे हैं। कम ले रहे हैं। समाज के वातावरण से आपसी भाईचारा के साथ इस पर्व को मनाना है ना? ये रंग दिया की पर्व है और आपके माध्यम से पूरा देश शहर वासियों को, हमारे झारखंड वासियों को इस तरह शुभकामनाएं देता है। एसडीओ आलोक कुमार ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को सुरक्षित ढंग से पर्व मनाना चाहिए और जुआ आदि से परहेज करना चाहिए। वे न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। सारी तैयारियां की गई हैं, बंद वार्ड वगैरह के व्यवस्था की गई है, डॉक्टर्स इमरजेंसी में हमेशा रहेंगे, साथ ही साथ एम्बुलेंस वगैरह जो है हमारा फंक्शनल रहेगा 24 आवर्स। और जो भी लोग पटाखे वगैरह उपयोग में लाते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि खुली जगह पर पटाखों का उपयोग करें और साथ ही पास में एक बाल्टी में पानी रखें या ये बालू रखें ताकि किसी भी तरह की घटना को अगर होती है तो उसको तुरंत एहतियाती कार्रवाई के तहत में वहीं पे
हम लोग उपाय कर सके ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। फायर ब्रिगेड कितने गाड़ी हैं? फायर ब्रिगेड के लिए जो टेलको के फायर ब्रिगेड हैं, टिस्को के फायर ब्रिगेड हैं, जो सरकारी फायर ब्रिगेड हैं, वो सभी अलर्ट पर रखा गया है।